हेलो दोस्तों, आरबीआई ने 2000 की नोट को मार्केट से स्टैम्प आउट करने की बात की है, वाइप आउट करने की बात की है। दोस्तों इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2000 का नोट मार्केट से क्यों वाइप आउट होने वाला है, यानी मार्केट से क्यों बाहर होने वाला है, आरबीआई ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसका रीज़न नहीं जानते, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ के पीछे दोस्तों एक साइंटिफिक रीज़न होता है, एक रीज़न होता है कि वो चीज़ ऐसी क्यों की जाती है। बिना रीज़न के कोई काम नहीं किया जाता दोस्तों लाइफ के अंदर। आप भी पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक रीज़न है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एक रीज़न है। हर किसी का कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है दोस्तों। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आरबीआई की एक पॉलिसी थी क्लीन नोट पॉलिसी, जो कि 1999 में आई थी, 1999 में आई थी। इसमें ये कहा गया था दोस्तों कि आरबीआई को हमेशा मार्केट में जो है वो नोट अच्छे नोट ही रखे जाने चाहिए, मार्केट में क्लीन नोट ही रखे जाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक बात आप समझिए, मार्केट में अभी चलते हैं 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट और 2000 का नोट था, 200 का नोट, 500 का नोट था और 2000 का नोट था। देखिए ये कहा जाता है कि आरबीआई ये कहता है कि नोटों का रेशियो 2 से 2.5 के बीच रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 10 से 20 के बीच 2 का रेशियो है, 20 से 50 के बीच 2.5 का रेशियो है और 50 से 100 के बीच फिर 2 का रेशियो है, 100 से 200 के बीच फिर 2 का रेशियो है, 200 से 500 के बीच 2.5 का रेशियो है, 2.5 का रेशियो है और 500 से 2000 के बीच में 4 का रेशियो था, जो कि रेशियो परफेक्ट नहीं था, सही नहीं था। अब दोस्तों ये बात 100% क्लियर है कि मार्केट के अंदर 1000 के नोट फिर से प्रिंट होंगे, फिर से रीप्रिंट होंगे, क्योंकि 500 से 1000 के बीच रेशियो 2 का फिर हो जाएगा। तो ये 1000 के नोट डेफिनेटली मार्केट में अगेन प्रिंट होने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता देने वाला हूँ, ठीक है। ये नोट प्रिंट होंगे, पक्का 1000 के नोट प्रिंट होंगे। और जब 500 से रेशियो कितने का था, 500 से 2000 में रेशियो सीधे आ रहा था 4 का, जो कि पॉसिबल नहीं था इसी वजह से। और 2019 के बाद वैसे भी 2000 के नोट प्रिंट होना बंद हो गए थे, और जब प्रिंट होना बंद हो गए थे तो वो नोट जो 2019 के पहले प्रिंट हुए थे वो नोट काफ़ी पुराने हो गए थे। और आरबीआई के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत पुराने नोट तो मार्केट में रखे जाने नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये रीज़न है दोस्तों कि 2000 के नोट को वाइप आउट किया गया, मार्केट से बाहर किया गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इकोनॉमी का एक छोटा सा फैक्ट आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये रीज़न समझ में आया हो कि नोटों का रेशियो किस प्रकार से आरबीआई रखता है और कैसे नोटों का रेशियो रखा जाता है, तो आप इस वीडियो को करिए शेयर, और इस वीडियो को शेयर करने के अलावा इस वीडियो को लाइक कर दिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग शेयर करने पर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन जान पाएँ। ये है एग्जैक्ट रीज़न दोस्तों। इकोनॉमी का एक बढ़िया टॉपिक था, तो हमने कहा कि मैं 3-4 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।